ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसराइल के पड़ोसी देश लेबनान से, जहां गाजा के अस्पताल पर इसराइल के हमले से भड़के फिलिस्तीन के समर्थकों ने बवाल कर दिया है। हजारों की संख्या में फिलिस्तीन और हिजबुल्ला के समर्थक लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास के पास इकट्ठा हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की, तोड़फोड़ के बाद वहां आग लगा दी। हालात बिगड़ने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ देने की सलाह दी। अमेरिका की तरह सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों को फौरन लेबनान से निकल जाने की सलाह दे दी है, जबकि ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को लेबनान कर दिया। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या हो रहा है लेबनान में? देखिए बिल्कुल किशोर, हम गाजा की घटना के बाद अब लेबनान फ्रंट पे युद्ध बढ़ने का खतरा, और उसके बाद यूएस और सऊदी अरब ने तो अपने नागरिकों को, जैसा आपने बताया, साफ कह दिया कि आप छोड़िए, और ब्रिटेन ने ये उस देश को छोड़ने पर विचार करें। तो एक तरफ साफ संदेश दे दिया गया है तीनों देशों की तरफ से कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इसराइल और गाजा के बीच डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक बड़े युद्ध की शक्ल ले सकता है, खासकर इसराइल के उत्तरी फ्रंट पे लेबनान के साथ और हिजबुल्ला के साथ। इसलिए वहाँ तीन देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और गाजा के अस्पताल पर हमले को लेकर लेबनान में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। हमले से नाराज लोगों की भीड़ ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास का घेराव कर दिया। गाजा के अस्पताल पर हमले का आरोप इसराइल पर लगा है और अमेरिका इस जंग में हमास के खिलाफ उसकी मदद कर रहा है, और इसीलिए लेबनान की राजधानी बेरूत में फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक दूतावास के गेट पर दिखाई दिए, उन्हें रोकने के लिए वहां की पुलिस पानी की बौछार करती दिखाई दी, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, इसलिए फिलिस्तीन समर्थकों ने अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। और गाजा के अस्पताल पर हमले के तुरंत बाद बेरूत में गुस्साए लोगों ने अमेरिका के दूतावास को घेर लिया। रात के अंधेरे में ही अमेरिकी दूतावास के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हो गई, जो 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने से बुरी तरह भड़के हुए थे, और उन्होंने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी। और हमले से भड़के लेबनान के लोगों ने राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। वहां से सामने आए एक वीडियो में एक प्रदर्शनकारी वहां फिलिस्तीन का झंडा लगाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसके लिए वो दूतावास की दीवार पर लगी कांटेदार तारों पर चढ़ गया, जबकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीन समर्थक नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारियों को जब वहां की पुलिस रोकने पहुंची तो वो पुलिस से भी भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके बाद भी वो लोग सड़कों पर डटे रहे, इसलिए उन्हें दूतावास से दूर हटाने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार भी करनी पड़ी, लेकिन बताया गया कि इसके बाद भी उन प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास में आग लगा दी।